हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज जो मैं स्टॉक के बारे में बोलना चाहता हूँ वो है SBI। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लास्ट 14 अप्रैल को मैंने SBI का स्टॉक के बारे में लिखा था और मैं उसका अपडेट देना चाहता हूँ और काफी डिटेल्स होगा तो थोड़ा सा शायद लंबा हो सकता है वीडियो, ठीक है। और मेरा डिस्क्लेमर वन लाइन ये है कि आई एम नॉट एन SEBI रजिस्टर्ड। तो मैं कोई SEBI रजिस्टर्ड नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा डिस्क्लेमर दिया है। मेरे ब्लॉग पे जाओगे तो यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया है, आप डिस्क्लेमर पूरा पढ़ सकते हो डिटेल में। आज है तारीख 30 मई 2020 और आज जो स्टॉक SBI के बारे में बोलूंगा उसका लास्ट क्लोजिंग है 29 को, ठीक है। तो जो लास्ट कैंडल डेली का होगा वो 29 का होगा। तो मैं SBI के बारे में बोलना चाहता हूँ डिटेल में, तो मैं अभी SBI के चार्ट की तरफ ले चलता हूँ। SBI के चार्ट के पहले एक चीज है कि मैं भी जैसे कि हेडिंग में आप देख सकते हो कि एक पैटर्न है, वो पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, विल इट रिवर्स। तो उसके पहले, वो पैटर्न के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने लास्ट कॉल दी, मेरे एक ब्लॉग पे मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को लिमिटेड माई व्यू करके दिया था, उसका था 23 सितंबर 2018 के बारे में। आप देख सकते हो यहां पे उसका प्राइस था 1161 और मैंने लिखा था वी कैन सी अप टू 740, ठीक है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूं उसका 23 सितंबर 2018 का, जो मेरे ब्लॉग पे पोस्ट किया था मैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है मेरे ब्लॉग पे पोस्ट किया था, ये वुल्फ वेव करके एक पैटर्न है, ये पैटर्न का था, जो एक्सपेक्टेड टारगेट था मेरा ये ब्लू लाइन। तो आप अगर टेक्निकल पता है तो आप काफी पहले आप पता कर सकते हो कि इसका पॉसिबल क्या है। तो मैं अभी दिखाऊंगा वो टारगेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो अभी जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट है वो अभी जो चालू है, ये हम है मंथली में जो भी चालू है ये आपके सामने है, और जैसे कि ब्लू लाइन में दिखाया था आपको मेरे चार्ट में वो हो गया। तो 1160 से लेके ये लो किया है, ऑलमोस्ट आप देखिए यहाँ पे लो किया है 440। तो आप जस्ट इमेजिन कर लिए 1160 से लेके 440 का ये रिसेंट लो किया है, ठीक है। कुछ ऐसा ही पैटर्न आपको SBI में भी दिखाऊंगा, ठीक है। और वो पैटर्न में SBI रिवर्स होगा कि नहीं होगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा मैं बोलूंगा, तो काइंडली बेयर विथ मी SBI के बारे में। पूरे चार्ट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको शायद नया कुछ सीखने को मिलेगा। तभी मैं SBI के चार्ट की तरफ से चलता हूं। तो SBI के मैं डेली में हूं, इसके मैं कुछ दो या तीन चार्ट बनाया हूं। तो अभी मैं एक चार्ट है जो मैं आपके सामने दिखाता हूं, ये डेली में है, तो आपके इसमें भी लाइन्स दिख रहे होंगे, लाइन्स पूरे कनेक्ट हो गए वीडियो के एंड तक, तो वीडियो पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस है इसका 29 मई 2020 को, इसका क्लोजिंग प्राइस है 162। मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर फ्रेम करता हूँ डेली में, जैसे कि आपको दिख गया होगा मेरा सब जो भी लाइन्स है डेली में, इसको ब्रेक करना होगा अगर डेली में, अगर जिसको ये पोजीशन है या जिसको लेना है। मैंने तब मेरे पहले के वीडियो में भी बोला था 180 के आसपास, और मैंने बोला था कि दूसरा लॉट 140 के आसपास एक टायर रखना। फॉर एग्जांपल आपको ज्यादा स्टॉक लेना है तो वो सिप जैसा लेना है, और मैंने एक लेवल मेरे पहले के वीडियो में भी दिया था, तो मैं जब उसका फॉलोअप कर रहा हूँ काफी डिटेल्स होगा, थोड़ा सा आप देर कर लीजिए, फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे प्राइस 161.30, तो इसका भी अपमूव कैसा है इसका, अगर ये क्लोज दिया 162 से लेके 164 पे एक या दो दिन क्लोज देगा तो इसका इमीडिएट टारगेट होगा 175, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डिटेल्स में और बोलता हूं थोड़ा, मैं भी इसको वीकली में ले चलता हूं। तो जैसे कि आपको वीकली में ये जो पिंक लाइन देख रहा है, आने वाले दिनों में ये रेजिस्टेंस होगा, जो पिंक लाइन है आज के डेट में जो लाइन जहां पे होल्ड है वो 188 के आसपास है। तो 175 के बाद ये 185 से लेके 190 के आप आसपास पकड़ के चलिए, इसका टारगेट, ठीक है। और जो मैं वुल्फ वेव के बारे में आपको श्रीराम में बताया था वो इसमें मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, जो मेरा दूसरे चार्ट में मैंने ड्रॉ किया है, तो मैं वो चार्ट को आपको दिखाता हूं। तो ये है SBI का आपके सामने मंथली, ये भी वुल्फ वेव पैटर्न है, देख सकते हो पिंक लाइन 1, यहां पे 2 काउंटिंग, यहां पे ये 3 और ये 4 और यहां का ये पांचवा काउंटिंग था। तो ये टॉप के बाद ये जो ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ट्रेड करता है तो आपका ये टारगेट बनता है, तो ये टारगेट बन चुका है एज पर वुल्फ वेव का जो पैटर्न है। तो जैसे कि आप हेडिंग में देख रहे हो पैटर्न कंप्लीटेड, विल इट रिवर्स, तब ये सवाल रहा कि इसको रिवर्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको डेली में दिखा दिया हूं आपको
ही पॉसिबल है डेली में। डेली में आपको मैं लेवल दे दिया हूं, तो लेवल पे ध्यान रखिए, ठीक है। आपको मैं इसके और भी दिखाता हूं, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बोलता हूं कि मल्टीपल जितने भी चीज आपको एक साथ कनेक्ट होगी, मतलब उतना स्ट्रांग पैटर्न होगा आपके लिए। तो एसबीआई में आपको एक पैटर्न था वुल्फ पे, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और दूसरा चीज, डेली में ब्रेकआउट दिख रहा है, पर ब्रेकआउट का लेवल है, वो लेवल पे ध्यान दीजिए। और लेवल दिखने के बाद, ठीक है, वो लेवल होने के बाद नॉर्मली वुल्फ वे में क्या होता है कि आपको एक बुलिश कैंडल होना चाहिए जो लास्ट वे में है। तो ये जो वुल्फ वे है, यहां पे आपको बुलिश कैंडल फॉर्म होना है। जैसे कि आपके सामने मंथली है, मंथली काफी दूर हो जाएगा, तो जिसको लेना है, जैसे कि आपको पैटर्न दिख गया, वुल्फ वे हो गया, डेली में ब्रेकआउट का चांसेस है, ब्रेकआउट का लेवल्स है। अभी आपको मैं मंथली में दिखाता हूं उसका स्ट्रांग सपोर्ट जोन। ये देखिए मंथली में आप देख सकते हो, यहां पे लेवल जो है, जैसे कि मैं पहले भी चार्ट में बताया था, ये 140 के आसपास, एक दो तीन चार पांच, अभी ये पांचवा जो बन रहा है, अभी तक बना नहीं है क्योंकि महीना खत्म नहीं हुआ है, तो पांच महीने का सपोर्ट, तो ये स्ट्रांग फॉर्मेशन हो जाएगा इसका अगर ये उस पर होल्ड करता है तो, ठीक है। इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट मैं आपको बोलूंगा। अभी देखो स्टॉपलेस तो हो गया आपका, डेली में आप ब्रेकआउट का वेट कीजिए, ठीक है। मुझे ये पॉसिबल लग रहा है। इसमें आपको मैं और एक इंटरेस्टिंग सा रीडिंग बताऊंगा, जो मैंने निफ्टी में मार्च के आसपास बताया था, जब काफी लोग बेयरिश थे तब मैं आपको बताया था, और मैंने निफ्टी के लास्ट आउटलुक में भी बताया था कि उसका रिवर्सल हमने काफी पहले पकड़ा था, निफ्टी का सबसे शायद सबसे नहीं बोल सकता, काफी पहले पकड़ा था। तो मैं आपको इसमें भी दिखाता हूं एसबीआई में इसमें क्या ठीक दिख रहा है। अभी जो एसबीआई है, एसबीआई का मैं वीकली लिया हूं आरएसआई, ठीक है, जिसमें ये डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो दिख रहा आपको, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जिसको डाइवर्जेंस नहीं पता हो एक बार जरा देख लीजिए डाइवर्जेंस, जिसको नहीं पता होगा मैं इसको डिटेल्स में अगला वीडियो में बताऊंगा डाइवर्जेंस। तो इसके तीन चीज कंफर्मेशन हो गए, यहां पे वीकली में डाइवर्जेंस दिख रहा है, ठीक है, मंथली और डेली में उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है, आने वाले दिनों में दिखेगा, बट वीकली तो दिख गया है, एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तीसरा, डेली में ब्रेकआउट होने का चांसेस है, ठीक ठाक दिख रहा है, पर ब्रेकआउट तक वेट कीजिए, ठीक है। तो इसके तीन चार कन्फर्मेशन हो गए, जैसे कि मैं बोलता हूं जितने ज्यादा कन्फर्मेशन उतना अच्छा स्टॉक होता है। जैसा कि मैं आपको, ये तो शॉर्ट टर्म टारगेट बता दिया है, इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन होगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन, अब जैसे याद रखिए, जो ट्रेंड लाइन होता है, ट्रेंड लाइन टाइम टाइम पे चेंज होता है, ये लाइन जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसा टारगेट भी चेंज होता रहेगा। तो अब तक जो दिख रहा है टारगेट, इसका 300 के आसपास दिख रहा है। तो मैंने एसबीआई का पूरा आउटलुक बता दिया हूं, कोशिश किया हूं कि कम से कम टाइम रखे, क्योंकि मैं जब भी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है तो कोई ज्यादा देखते नहीं है, पर मैं कोशिश किया हूं काफी कम से कम टाइम रखना, इतने कम टाइम में अगर किसी को कुछ है तो मैं और डिटेल बताऊंगा। तो मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टारगेट बता दिया हूं, और स्टॉपलेस बता दिया हूं, उसके लेवल्स बता दिया हूं, और कौन से चांसेस मुझे दिख रहे हैं चार्ट में, जिसके जो पॉसिबिलिटीज से स्टॉक ऊपर जा सकता है। ये मेरा फाइनल डिस्क्लेमर का पेज है, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। अगर आप कोई भी कॉल लेते हो ये वीडियो के बेस पे, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन, ठीक है। और एक चीज बोलना चाहता हूं मैं, मेरे रिसेंट वीडियोस है, इसमें से मेरे को एक, अभी पांच दिन पहले मैंने एक छोला मंडल में इन्वेस्टमेंट का स्टॉक दिया था, स्टॉक के बारे में दिया था, ये वीडियोस को काफी व्यूज आ रहे हैं, काफी पसंद आ रहा है लोगों को, ऑलमोस्ट 320 व्यूज, 750 से लेकर 800 मिनट या अकेले वीडियो ने देख लिया लोगों ने। तो आप सब लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहे, और सब्सक्राइबर भी ऐड हो रहे हैं, अभी तक 236 हो गए। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहे तो मैं आगे पूरा कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में जितना हो सके उतना वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।